आज के इस लेक्चर में हम इंडो चाइना अफेयर्स करेंगे और इसको हम दो या तीन पार्ट्स में करेंगे एंड टुडे आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इट्स पार्ट नंबर वन. नो इंडो चाइना रिलेशन ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है. हम सबसे पहले इसका एंशियंट टाइम का इंडो चाइना रिलेशन का रिव्यू लेंगे. महाभारत में एक राजसूय यज्ञ था जो युधिष्ठिर ने करवाया था और जो ये राजसूय यज्ञ था इसमें चाइनीज जो किंग्स थे उनकी ओर से गिफ्ट आए थे पांडवों के लिए. तो इसका मतलब ये हुआ और भारत और चाइना का जो रिलेशनशिप है ये महाभारत समय से है. और जो अर्थशास्त्र और मनु समृद्धि है इसमें भी हम चाइना को मेंशन करते हैं. और दो राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, टॉइनबी और बुली. इन दोनों ने ये बात कही है कि चाइना में एक रेडीमेड कल्चर जो है वो इंपोर्ट हुआ, बाहर से आया. और वो रेडीमेड कल्चर क्या था? वैदिक कल्चर ऑफ इंडिया. तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो वैदिक कल्चर था ये रफली मेडिटेरेनियन सी से लेके सारी चाइना, हाफ ऑफ सारा एशिया, एशिया को और इवन यूरोप में भी जो हमारा वैदिक कल्चर था इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. और उसके बाद दोनों नेशंस में अच्छे रिलेशंस थे. तो ये तो हुई एंशिएंट इंडिया की बात और एंशिएंट इंडिया का दूसरा फेज. एक बात यहाँ पे करने योग्य है, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला में एस्टैब्लिश हुई 700 बीसी में, इसमें 10,500 से ज्यादा स्टूडेंट थे और सारे वर्ल्ड से ये स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे. और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में ग्रीको रोमन शैली थी, इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता था. तो इससे एक बात क्लियरली प्रूव हो जाती है कि जो हमारी तक्षशिला, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि तक्षशिला रावलपिंडी के पास है, पाकिस्तान में है. जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है इसमें श्रीलंका से, चाइना से और जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के कंट्री हैं, यूरोपियन लोग भी यहाँ पे आते थे. उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये मिलता है जो हमारे पास ग्रीको इंडियन आर्ट डेवलप हुआ है, इसमें जो थीम्स इंडियन है और जो उनकी शेप है, जॉ लाइन्स है, ये सारी जो है ग्रीक गॉड्स की फॉलो की हुई है. और उसके बाद तो एक ऐसा ही सेंटर नालंदा है, जो चाइनीज मॉन्क्स थे ये इंडिया के जो फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग थे तक्षशिला और नालंदा, ये दोनों में पढ़ने आते थे. तो एक बात, चाइनीज का जो कल्चर है जिसको हम मैंडरिन कहते हैं, उनका जो एजुकेशन सिस्टम ये मैंडरिन सिस्टम बोला जाता है. तो जो मैंडरिन वर्ड है ये संस्कृत के वर्ड मंत्रा से ड्राइव किया हुआ है और संस्कृत का वर्ड मंत्रा चाइना में मलेशिया में से होके पहुंचा है. और कई चाइनीज स्कॉलर ने तो संस्कृत के जो फनेटिक्स हैं ये चाइनीज लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की. यहाँ पे एक बात कहने योग्य है कि जो संस्कृत है दिस इज द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज फार एज फनेटिक्स आर कंसर्न. जहां तक फनेटिक्स कंसर्न है, शब्द का उच्चारण करने की बात है, तो उसमें जो संस्कृत है ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है. और अब फाहीन पहले चाइनीज मॉक थे जो हिंदुस्तान में आए और उनका उद्देश्य जो बुद्ध धर्म के स्क्रिप्चर्स थे इनको उन्होंने सर्च करना था. वो 65 साल की आयु में सेंट्रल चाइना से चले और साउथर्न रूट से होते हुए गंधार और पेशावर में पहुंचे. फाहिन एक धार्मिक यात्री थे, उन्होंने पग यात्रा से सारे हिंदुस्तान की यात्रा की और जो बुद्धिस्ट साइट्स थी कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस में जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, ये सभी साइट्स को उन्होंने विजिट किया. ये बुद्ध धर्म की जो पुस्तकें थी उनको पढ़ना चाहते थे. और ये चंद्रगुप्ता टू के राज के समय, जब उनका राज चल रहा था चंद्रगुप्ता टू का, तब वो आए तो उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में काफी कुछ लिखा. जो चाइनीज ट्रेवलर्स थे,
चंद्रगुप्ता टू को हम विक्रमादित्य भी कहते थे। एक हिंदुस्तान में 58 एडी में एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, जो कोई भी राजा था किसी पावरफुल फॉर्म इन्वेडर को हरा देता था वो अपने आप विक्रमादित्य का टाइटल ले लेता था। हिंदुस्तान में 14 किंग्स ने ओवरऑल विक्रमादित्य के टाइटल्स लिए हैं। एंड जो फाहिम था, ये हिंदुस्तान के जो आदर्शवाद था और जो वहाँ का प्रशासन था उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और बड़ा इम्प्रेस हुआ। और उसने जो पाटलिपुत्र और मगध की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की भी बात की, और ये सारा कुछ जो भी उसने लिखा एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम फू को की है। और इनके बाद आई सिंह जो थे ये इंडिया में कैंटन सी के जरिए 671 सीई में आए और 673 सी में इंडिया में पहुंचे। और इन्होंने जो मगध में जो बौद्ध धर्म की पवित्र स्थान थे उनको इन्होंने विजिट किया और ये नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे लगभग 9 साल। तो इन्होंने एक विनाया पिताका है, बुद्ध धर्म की पुस्तक है, उसको इन्होंने पढ़ा। इसी तरह से सॉन्ग यन भी जो 6th AD में आए और वो मेहरकुला से मिले, और बाद में वो वाई कैपिटल है लुओ यांग की, वहां से ऑन फुट आए और विंटर 518 में आए और 522 में वो वापस चले गए। और वो महान्य फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी वो यहाँ से ले गए, और वो कुल 170 महान्य बुद्ध धर्म की टेक्स्ट यहाँ से ले गए। जो महान्य बुद्ध धर्म है ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा अर्चना करता है, और जो हीनान्य फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है ये फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करती है। इसी तरह से अब चाइना के द मोस्ट नोन या वेल नोन जो हमारे उनके यात्री हैं वो ह्यूनसांग है। तो ह्यूनसांग भी बौद्ध धर्म की स्टडी करने के लिए हिंदुस्तान में आए। तो अब यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की बात कर लें, 4th BC में कुमारगुप्ता ने यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा को बनाया। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा थी ये एजुकेशन के फील्ड में बहुत फेमस थी, और ह्यूनसांग हिंदुस्तान में सिल्क रूट के जरिए आया 627 से लेकर 643 तक, और वो ग्रेट ट्रैवलर था, स्कॉलर था, ट्रांसलेटर था। इसने सूकी नाम की एक पुस्तक लिखी। जो चाइनीज स्कॉलर ट्रैवलर्स ह्यूनसांग के साथ आए वो नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टे किए, उन्होंने वहाँ पे रहे काफ़ी समय, और उसने एक डिटेल्ड स्टडी की जो वहाँ पे मोनेस्ट्रीज में जो हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो कैसे रहते थे। उनको उन्होंने ये देखा कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं ये उच्च मानसिकता वाले हैं और सीधे साधे हैं और जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को स्पेशल वैल्यू देते हैं। ह्यूनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उनके पास 60,000 हाथी थे, 50,000 उनके पास रथ घोड़े थे और 1,00,000 की स्ट्रांग आर्मी थी। हर्षा जो थे ये बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के लोग थे वो बुद्ध धर्म के लोगों से ज्यादा थे, या हिंदू धर्म के लोगों की गिनती बुद्ध धर्म के लोगों से ज्यादा थी। और ह्यूनसांग को किसने भेजा हर्षा की कोर्ट में, उनका नाम था ताईसांग। तो ह्यूनसांग थे जे एक प्रयागराज के पास बहुत बड़ी धार्मिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसकी जो प्रधानता थी वो ह्यूनसांग ने की थी। और उसमें ह्यूनसांग ने यह लिखा कि हर्षवर्धन ने इतना ज्यादा खजाना लोगों को दान कर दिया कि वो एक राजा से मौत बन गया। तो अब जो हमारा चाइना का पार्ट टू है वो हम कुछ ही दिनों में अपलोड करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर